टॉपिक के बारे में जो कि है हमारा नॉट गेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नॉट गेट जो होता है उसमें एक ही इनपुट वेरिएबल होता है और एक ही आउटपुट वेरिएबल होता है, और यही हमारी इसकी डेफिनेशन है। आप बोल देंगे ऐसी युक्ति जिसमें एक इनपुट वेरिएबल तथा एक आउटपुट वेरिएबल होता है आपका एंड गेट, वो नॉट गेट कहलाता है। अच्छा, और गेट में क्या होता है, दो या उससे ज्यादा इनपुट वेरिएबल हो सकते हैं, और एंड गेट में सिर्फ दो इनपुट वेरिएबल होते हैं, और आपके नॉट गेट में सिर्फ एक ही आउटपुट इनपुट वेरिएबल होता है, और सभी में आउटपुट वेरिएबल एक ही होते हैं। तो आप बोल देंगे ऐसी युक्ति इसमें एक इनपुट वेरिएबल होता है और एक आउटपुट वेरिएबल होता है नॉट गेट कहलाता है। नॉट गेट का प्रतीक है ये रहा हमारा, जहां पर ए है इनपुट वेरिएबल और बाई है हमारा आउटपुट वेरिएबल। इसे एक एक नंबर में कभी पूछ लिया था। तो ए है हमारा इनपुट वेरिएबल और बाई है हमारा आउटपुट वेरिएबल। अब हम जानेंगे इसके बुलियन व्यंजक के बारे में। तो यदि इनपुट वेरिएबल ए तथा आउटपुट वेरिएबल बाई हो, तो अगर हमारा इनपुट ए है और आउटपुट हमें उसका बाई प्राप्त हो रहा है, तो हम बोलेंगे अगर इनपुट वेरिएबल ए तथा आउटपुट वेरिएबल बाई हो तो आप बोल देंगे ए बार बराबर बाई। ये ए बार बराबर बाई हमें मैथमेटिक्स की भाषा में तो सही है, पर इसमें सही नहीं रहेगा। तो इसे हम किस तरह से पढ़ते हैं, इसे निम्न प्रकार पढ़ते हैं। ए नॉट इक्वल्स बाई, आप इसे पढ़ेंगे ए नॉट इक्वल्स बाई। A की A बार बराबर बाई नहीं पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे A not equals बाई। तो अब हम जानेंगे इसकी सत्यता सारणी के बारे में। यहाँ पे आप सबसे पहले इस चित्र को बना लें। चित्र में आपको चीजें समझे, ये एक बैटरी है, माइनस विभव प्लस विभव, और यहां पर इसमें एक प्रतिरोध को जोड़ा गया है, और यहां पर ये है हमारा स्विच A, और ये है हमारा आउटपुट बाई जो कि एक बल्ब है। तो आप बोल देंगे ये है स्विच A इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल बाई है हमारा बल्ब। तो अब आप इसकी सत्यता सारणी बनाएंगे, यानी कि यहां पर दो है तो सिर्फ ए और बाई इस तरीके से लिख लेंगे। सबसे पहले आप बनाएंगे पॉइंट वन। देखिए आप बोलेंगे यदि स्विच ए ऑफ हो तो बल्ब जलेगा, जो हमारा अगर ये जो स्विच है ए ऑफ हो तो बल्ब जलेगा। आप लिखेंगे पहले इसे समझाएंगे भी क्यों जलेगा। आप लिखेंगे यदि बल्ब अगर स्विच ए ऑन हो, स्विच ए ऑफ हो तो बल्ब जलेगा, यानी कि अगर स्विच ए ऑफ है तो बल्ब जलेगा। अगर स्विच ए ऑफ होगा तो बल्ब जलेगा, और अगर स्विच ए ऑफ नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। आप बोलेंगे नंबर एक पे डाल के, यदि स्विच ए ऑफ होगा तो बल्ब जलेगा, फिर नंबर दो डालेंगे लिखेंगे स्विच ए ऑन होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, इसे आप फिर उतार देंगे। अब समझिए ऐसा क्यों होगा। अगर हम स्विच ए को ऑफ रहने देंगे तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी आराम से बल्ब तक पहुंचती रहेगी और बल्ब जलता रहेगा। अगर हम स्विच ए को ऑन कर देंगे तो इससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होने से जो हमारा विभव है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है और कोई वैद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती, इसीलिए बल्ब स्विच ए ऑन होने पर नहीं जलता है। तो दोबारा समझ लीजिए, अगर स्विच ए ऑफ होगा तो बल्ब जलेगा, और अगर ऑन होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि अगर स्विच ए ऑफ है तो बल्ब तक इलेक्ट्रिसिटी यहां से देखिए पहुंचती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर हम स्विच ए को ऑन कर देंगे तो इससे आपका क्या होगा, यहां पर एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या होगा कि विभव आपका बिल्कुल शून्य हो जाएगा और कोई फिर वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसीलिए आपका बल्ब बंद रहेगा। तो ये था हमारा नॉट गेट और उसके कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स।